वो गाड़ी आने वाली है कुछ टाइम में। 3, 2, 1 दीदी वहाँ से ना मेरे लिए राखी लाई। गाइस थैंक यू सो मच। ओए लखनीत। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। नमी गुड मॉर्निंग ब्राउनी गुड मॉर्निंग गुची। यहाँ पर चल रही है नीतू की पूजा, तो अभी यहाँ पर पूजा कर रही है, उसके बाद नीतू पूजा करेगी दूसरे वाले घर पे। और यहाँ पर सो रहा है नीतू का चमचा। तो यहाँ पर हो गई हमारी पूजा खत्म, मेरे को भी जुकाम है। हम दूसरे घर में जाके पूजा कर रहे हैं, उससे पहले मैं पुनीत और लखन को उठा के जाऊँ। आओ देखते हैं आके ये लोग फिर उठते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे लेट घर में यही सोते हैं, 11-12 बजे इनका सोना होता है। मतलब देखो दोनों भाई बहन इतने लेजी, इतने उठो। मैं अभी तुम्हारे रूम से आई हूँ ना, फिर लेटी क्यों बिस्तर में? अबे तुम दोनों डेली तो सोचो साथ साथ, मुझे यहाँ सुला रही है डरपोक की वजह से। वो डरपोक नहीं है, उनके साथ मुझे सोना अच्छा लगता है। एक मिनट लेटी है फिर वो चली गई। मैं पूजा करने जा रही हूँ, देख लो लेट हो, मतलब कुछ दिमाग होना चाहिए। मेरे पास लेट ना, हक कर लेती हूँ मैं आपको, फिर लेटूंगी नहीं यार, पूजा करने जा रही हूँ दूसरे घर में। आपने मेरा पेट ऐसे क्यों दबाया? मैं वो देख रही थी कि बहुत अंधा लग रहा है आज तो मुझे, बहुत स्लिम हो रही हो तुम। क्योंकि मेरे 9 दिन के फास्ट है इसलिए मैं और ज्यादा स्लिम हो रही हूँ। सेकंड डे में इतना फर्क पड़ जाता है क्या? हाँ ठीक है, मैं भी मेरा भी कल एक दिन फास्ट थोड़ा सा फर्क लग रहा है। नहीं आपको छोले भटूरे में घुमा दिया मैंने, आज वो खाओगे। यो ना बहुत बदतमीज है यार। चलो हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग सबको। रूम कितना सुंदर सुंदर लग रहा है सुधीर। सुधीर को देख बिल्कुल तैयार है, जब उसका गुजारा तो कल आया बंदे का, उनके अब तो कुछ नहीं है। अब तो कुछ नहीं है मतलब क्या है, बैठ रहा है, हमने घर खाली कर दिया है क्या, ऐसे बोल रहा है, कह रहा है अब तो कुछ नहीं है। हाँ यार मतलब यहाँ पर सब, लेकिन इस रूम की हालत साफ करियो अभी, ये रूम को, इसको जब तक सुधीर को, देख हमारे घर में छोटे हैं निम्मी है, इन दोनों को बोलने की जरूरत नहीं है, 4 साफ सफाई वाले, ठीक है, इन दोनों को, इसको और प्रिया को, इनको हर चीज बतानी पड़ती है यहाँ से ये हटाओ, जबकि इनको पता है तब भी आलस। और बोलना तो बोलना अलग होता है भाई, एक साथ में खड़ा रहना तेरे साथ जरूरी है, कि एक बजाना नीतू खड़ी रहेगी, मैं खड़ा रहूंगा या पुनीत खड़ा रहेगा। पहले सही काम करता था, अब चेंज हो गया, बहुत बदल गया भाई तू, शादी के बाद जब से दूसरे की तैयारी कर रहा है इसका मतलब तब से ज्यादा हो गया ये दिक्कत। तो इसका मतलब तुझे भी शादी नहीं करनी है? ठीक है चल, नहीं करेगा, डन डन सीन, इसको देख के तो डन। नींद वैसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन नीतू अगर बाहर जाए तो गुची ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है। ये देखो जाने की तैयारी हो गई तो गुची जा रहा है। गुची बाबू तो आ जा लियो, आप कहाँ जा लियो, कहाँ जा लियो, बाहर डुमी 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 चले डुमी डुमी, चलो चलो फिर चलो गाड़ी में, गाड़ी में। इनको डांट पड़ी है इसलिए दोनों ऐसे हैं, लेकिन थोड़ा पास तो आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, लेके जा सकते हैं। गुची मम्मा भी आएंगी फिर आपको गाड़ी में लेके जाएंगे। मुझे गुची के लिए बहुत सैड फील होता है, लेकिन ये डिजर्व करता है, बिकॉज ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता, बिना हार्नेस के लेके जा रही है उसको, मेरे को डर भी लग रहा है, लेकिन हमारा बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है। मैं अभी ये तो सुधर गया, गुची को यहाँ पर भोलापन है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर चलेगा नीचे, कल आप लोग बोल रहे होगा कि गुची जब ब्राउनी आ गए तो हम लोग चेंज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। गुची हमारा बहुत ही ज्यादा शरारती है, उसको आप लीश के साथ लेकर जाओगे ना हार्नेस के साथ तो भागी जाएगा, तब भी भागता है तो अकेले छोड़ दे। अब इसको देखते हैं, ये तो इसके पीछे पीछे चलेगा, ये अच्छा है इस मामले में। हाँ, अभी गुची को ले जा, वहाँ दूसरे कोठी में मिलेगा। मेरे को एक बार जाल के नीचे से निकलवाया था इसे, नहीं टॉयलेट कर रहा होगा, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सूंघता वो चलेगा, चलो चलो देखो, चलो मैं चल लेता भाई सीधा, समझदार है। आ गया लिफ्ट तक, गुची के 3 ट्रेनर्स आए और तीनों ने हाथ छोड़ लिए कि हम इसको नहीं ट्रेन कर सकते, पैसे वापस करे तो। पैसे वापस किए थे उन्होंने, हे भगवान मुझे तो हंसी आती है सोच सोच के। चलो जो लिखते हैं ना कि गारंटी से आपका डॉग सीखेगा, उनकी गारंटी तोड़ दी गुची। वेलकम हमारे नए घर पर, और नए घर पर अभी क्या हो रहा है, हमारा छोटू क्लीनिंग कर, छोटे तो इतने डबल रूप है क्या, यहाँ पर भी वहाँ पर भी था अभी तो। आप देखोगे हमारा प्यारा सा सुंदर सा मंदिर, मेरा फोन ले ले, वर्क रूम की लाइट भी ऑन करनी है सुबह सुबह, हमारे वर्क रूम में कर्टन्स भी लग गए, आई विल शो यू कम गाइस, और फिल्म भी लग गई है ब्लैक, और हर्षद भैया काम भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। हर्षद नहा लिए? हाँ। वाह यार फैन वैन क्यों नहीं ऑन कर रखा तुमने, ऐसे क्यों बैठे हो? शांत वातावरण है, गुड गुड। आप देखोगे की शीट लगी है अभी, बहुत ही क्लीनिंग बाकी है, बहुत ही फ्लोर गंदा, ये मैं करवा दूंगा।
पूजा हो गई संपन्न, तुषार भी आ गया जल्दी और हर्षद भैया भी अभी लोग काम स्टार्ट करेंगे। चलो हम लोग चल रहे हैं, अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए फिर उनको लेकर आएंगे। उठ गया हूँ गाइस, मैं बहुत सारे ताने दिए नीतू ने मुझे सोते हुए, मुझे बीच में ऐसा लगा कि सपना चल रहा है, सपने में नीतू आ गई मेरे पास, फिर ध्यान से देखा तो भाई मैं उठ चुका हूँ और सुबह हो गई है। लेकिन यार इसने मेरा नाम ये भाई जो है मेरा बेटा जो है, देखो कैसे देख रहा है ना उधर, देखो कैसे देखता है। अब आप समझ गए होगे मैं इसको इतना प्यार क्यों करता है, इतना क्यूट है। इस सुबह से उसने भाई गर्दा मचा रखा है कि इसको घुमाने ले जाऊं, देखना कैसे करता है। अभी बैठूंगा ना, आप बस देखते रहना, मैं बैठा हूं क्योंकि बाबू को घूमना है। अरे चल रहा हूँ बेटी, चल रहा हूँ भाई, इसको मैं घुमा के ला रहा हूँ, रुको यार, ये ऐसे कहता है और देखना हाथ कैसे पकड़ता है, अभी देखते रहना इसको। मैं तो पीछे को हो जाऊँ यार, मैं तो इधर हो जाऊँ, इधर बैठ जाऊँ मैं तो। चल 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 भाई, अब मैं इसको ले जा रहा हूँ, ठीक है, चल भी तू आ जा, चलो चलो घूमी गाड़ी 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 गाड़ी। अच्छा लगा तो जगह पूजा करके जी? छोटे तू बता तेरे को कैसा लगा? छोटे हमारा बहुत पुजारी है, पूजा पाठ में बहुत ध्यान देता है, और ये ना पुजारी है, ना पुजारी जो भी बोलते हैं ये, मतलब इसका पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान नहीं रहता है ना। छोटे सुधीर इज लाइक यहाँ पर हुआ भरत मिलाप, मैं घुमाने लेके जा रहा हूँ, कहाँ गाड़ी और नहा के पूजा कर लेना। पूजा कहाँ जा रहे बेबी? होगी होगी लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, किससे लड़ रहे हैं? वो कह रहा कि तू मम्मी के साथ घूम के आ गया, वो कह रहा तू पापा के साथ कैसे जा रहा है। अच्छा चलो चलो चलो, मार के आ रहा हूँ। गाड़ी 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 चलो। हमारा ब्राउनी बहुत इंटेलिजेंट हो गया, टच उठ नजर ना लगे, भगवान की स्किन नजर ना लगे, आ गया चुपचाप अपने आप। इसने हमारे 15,000 रुपए बचा दिए ट्रेनर के। 17,000 सॉरी, तो और महंगा हो गया होगा, वो 2 साल पुरानी बात है। शाबाज ब्राउनी, मुझे पता 2 साल का हो गया ना। हां मेरी तरह वाले बदल नहीं सकते घर वाले, तो बोला चल बेटी उधर हो जा, छोटे के पास चला जा, छोटे इसको अपने पास ले ले। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, अरे खोल भाई, शॉपिंग मतलब कुछ फ्रूट्स लेने हैं क्योंकि नीतू का फास्ट है। सुधीर कैसे बैठेगा अब? किसने रखा है? मैंने रखा था क्योंकि उसमें जगह नहीं थी ना कल। अब हटा दूं फिर बात बहुत ज्यादा। भाई नीतू को बहुत टाइम से लगी हुई है कि मैं इसका व्लॉग ले लूं। इसको ये था कि मैं बैठ के गाड़ी में व्लॉग क्यों नहीं ले, क्योंकि इसकी ड्राइविंग स्किल्स दिखानी है लोगों को। मैं जब 17 साल की थी तब से ड्राइव कर रही, तो मेरी ड्राइविंग स्किल्स दिखाने की किसी को जरूरत। मैंने गाड़ी में बैठते इसको ओटीपी बताया। क्यों ओटीपी किस लिए? क्योंकि मैं ओला उबर चला। नहीं मतलब 17 साल से ऐसा बता रही, मैं 17 साल चला रही हूँ भाई, क्या क्या कहना चाह रही है? 17 साल से नहीं, क्या मुझे क्या 27 साल हो गए? नहीं 17 साल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मैं जब 17 साल की थी तब से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, और जो कि गलत है, 18 साल की बात करनी चाहिए, लेकिन मैं उस टाइम सीख रही थी। ठीक है, सच्ची है यार ये। अब हम पहुँच गए, पहले हम देंगे गाय माता को ये क्या बोलते हैं पालक, उसके बाद वो देंगे, कुछ लेने जाएंगे, और शाम को तो आपको पता है एक सरप्राइज है हमारी नीतू के लिए आज। क्या जो अभी तू कर रही है ना उससे रिलेटेड है, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर में, उससे भी अच्छा कुछ है ये गाय भैंस बैठी हुई है। मतलब हम लोग एक शेल्टर ओपन कर रहे हैं फाइनली। अरे नहीं यार तू आगे ले थोड़ा सा यार, साइड में को ले, रोक इसको, खोल देना भाई, मुझे नहीं पता था ये ऐसे हट तो सही, बस आ जा भाई, मुझे नहीं पता था ये ऐसे ऐसे होता है। उधर गाय को पता चल गया। हेलो गाय माता, ये देख तू इसको खिला रही है ना, इतनी दूर से एक गाय आ रही है, देख इनकी कितनी नजर रहती है एक दूसरे पे। नहीं तू है गाइस, अभी नीतू ने मुझे याद दिलाया कि आज तो गुची की वैक्सीन होनी है, मुझे लगा गुची की वैक्सिंग होनी हो बालों वाली, तो ठीक है मैं शॉक था उस टाइम, बट फिर मुझे याद आया कि हाँ उसके आज एक वैक्सीनेशन उसका आज होना है, वो भी करा देंगे। फिर शाम को आपको पता सरप्राइज है, हमारी एक बहुत अजीज हमारी सब्सक्राइबर दीदी हमारे घर आ रही है। इसकी जिंदगी में सोना है, सोच रहा है किसी के बारे में? हाँ सोच ले क्या हो गया ये ना, परेशान कर रहा दोनों रोने लगे, ऑपरेशन बन जाएगा भाई। अच्छा किसने? गुची ने, उसने अच्छा तूफान ही ज्यादा खुश हो रहा देख के। गुची को कहां है? गुची इंतजार कर रहा है। अरे नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, खुश रहो, चलो अब दूर चलो। पानी दिया आपने? नहीं पानी तो कभी नहीं लेंगे। तो गाइज मैं गाड़ी की डिलीवरी का वेट करता रह गया, और आज गाड़ी अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आ पाई। देखते हैं हमारी नितारा कहाँ है। नितारा क्या कर रही है? मैं रेडी हो रही थी क्योंकि दीदी आ रही है ना। दीदी कोमल दीदी आ रही है,
मैं तो बताने भूल गया, तो अच्छा हुआ आज डिलीवरी नहीं हुई वरना हम आज बाहर रहते। डिलीवरी? अरे कुछ नहीं यार, कुछ गिफ्ट है तेरे लिए। सो गाइस, कोमल दीदी हमारी सब्सक्राइबर है और हमारी इतनी बात होती है ना, वो मतलब देखो मैं बताती हूँ, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन जो जिन दो से मैं बात करती हूँ, तो कोमल दीदी, दो दो घंटे हम दोनों बात करते हैं, और एक नमिता आंटी, इन दोनों से मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। नमिता आंटी तो लाइक मेरी मम्मी है, जैसे मैं अपनी मम्मी से नहीं कर सकती ना जो बातें, वो मैं उनसे ही करती हूँ। मैं रिकॉर्ड कर लूँ दीदी? अच्छा, हाय 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 हाय, कैसे हो दीदी आप? हेलो बेतू, हेलो हेलो, देखो देखो कौन आए, कौन आए, देखो कोमल दीदी गुची ब्राउनी और जोई के लिए तीनों के लिए टॉय लेकर आई है, देखो कितने खुश हो गए। जोई को खैर पता पता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत खुश हो गए। कोई बात नहीं, मैं दीदी को जरूरत दीदी, 5 मिनट की बात है, सब खराब कर देंगे। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही दे दो जोई, ये देखो इनको इससे मजा आ रहा है, ये वाले कैसे ब्राउनी ब्राउनी आप ले लो, ये ले लो ब्राउनी को सब सही है। तो यार अब हम अपनी दीदी और जीजू को लेकर जा रहे हैं अपना नया वाला घर दिखाने। हाय। नीचे एक सब्सक्राइबर दिख गई थी, उनसे बात करने लगी थी। अच्छा, कैसे लगा दीदी? बहुत सुंदर। हमारा क्यूटी पाई सो गया है अभी। अरे गर्मी हो रही है भाई। नहीं हुआ। वो कह पाता, अब तक 4 बार बोल दिया होता उसने। तो दीदी स्वीट्स लेकर आई है और मेरी फेवरेट, ये बैंगलोर वाली है। मैसूर, मैसूर बैंगलोर को बोलते क्या? अच्छा पास में है, बहुत टेस्टी है, तो मेरा तो फेवरेट है ये। मेरी सासू माँ लाती थी वहाँ से बैंगलोर। हाँ ये पाई और मेरा फेवरेट है, हम ये बहुत खाते हैं। अब दीदी कुछ लेकर आई है न्यू घर के लिए, देखते हैं। वाह दीदी, नाम तो गलत लिखा है आपने। I like दीदी, thank you so much। दीदी उसका नाम टेडी है, पीछे भी है, पीछे इसको खोलोगे ना। ओहो दीदी फोटो कैसे निकाली आपने गुची की और इसकी? ढूंढी गई कहीं से। दूची ये क्या लाए? इधर आओ, इधर आओ, जाम हो गया। ए नीतू ये दरवाजा जाम हो गया भाई। अरे यार इसको वहां से दो, अब मैं वहां जाके पकड़ता हूँ इसको, दरवाजा जाम हो गया। नहीं तू आ जाओ, आ जाओ, लेकर आ गए, लेकर आ गए पापा, लेकर आ गए गुची को, तैदी को भी है ना। हाँ फ्रेंड्स, इतनी खुशी की बात है, दीदी वहां से ना मेरे लिए राखी लाई है, और राखी बहुत स्पेशल है। आपको राखी दिखाता हूँ, पहले एक बार मैं, आप ध्यान से देखो, हनुमान जी ताकि मेरी रक्षा करे। लड़के तो इसलिए राखी बांधती है भाइयों को कि भाई रक्षा करे, दीदी इसलिए बांधती है कि भगवान मेरी रक्षा करे। यस यहाँ उल्टा है। लीजिए दीदी, कैसे कैसे करते हैं मेरे को नहीं पता। सुनते हैं आप हील्स उतार सकते हो अपनी, या मेरी चप्पल आप देखो है ना एकदम डिफरेंट। नहीं अभी भी पतली लग रही है आपको? हाँ। यार दीदी कह रही है कि ये हमारे कंजी दीदी कैमरे पे बड़ी लगती है, मोटी लगती है। अरे जबकि असली में मेरे को ये सब लोग बोलते हैं हमेशा कि मैं समझ नहीं रहा हमको, देखो इस वजह से लोग समझ नहीं रहे वीडियो में हमेशा मोटी लगती है। नहीं सुनने को नहीं हो बेबी को कैमरे में नहीं लेना। दीदी एक्चुअली फूड टेस्ट करती है, तो दीदी को पता है वो पूरी जो लेबलिंग होती है ना प्रोडक्ट के पीछे कितना परसेंट प्रोटीन है, वो सब दीदी बताती है, फैट है, एनर्जी, विटामिन्स, इन सब की हकीकत बताइए। आप अपने कानों से सुनो, जल्दी से कानों से सुनते हैं सर। ये जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर कंटेंट वगैरह रहता है, और जितने भी जूसेस है उसके अंदर भी आपका 30-40% शुगर रहता है। तो जो जूसेस हैं और आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये बिल्कुल ही नो है, आजकल सबके लिए ही बहुत हार्मफुल है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट है जो आपका मैदा से रिलेटेड है, जितने भी आपके बिस्किट्स हैं, ब्रेड है, जो ब्राउन ब्रेड जिसको बोलते हैं ना कि ब्राउन ब्रेड है, ये उसके अंदर कैरामल कलर डाल रहे हैं, ब्राउन ब्रेड नहीं है। यार कोमल दीदी जा रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, और पूनम बहन भी जा रही है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पूनम बहन तो शायद अगले साल आएगी हमारी टीम में वापस। छोटू बेबी के लिए सवाल कर रहा है दीदी, वो तो हो चुका
देखो कितना प्यारा सा ये पुनीत लेकर आया दीदी, दिखा दे। है क्या छोटे आ जाना, कितनी प्यारी है। जो बच्चे तहजीब में रहते हैं उनके पास एडवांटेज है कि वो आ सकते हैं बाहर छोड़ने, गुची नहीं आ सकता क्योंकि भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा है। हाँ ये बात तो है, अभी आपको आना है, हम तो आएंगे, आप भी अगर मौका लगे प्लीज कम सून। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जरूर आना। बाय ब्राउनी, चलो भाभी छोड़ दी छोड़ दी। इसे तू चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए इसे। The next morning. Hello guys, good morning, जय माता दी। आज है नवरात्रों का थर्ड डे एंड लिटरली मैंने यही सोचा था कि मैं सारे दिन साड़ी पहनूंगी और यू नो साड़ी का मैंने सोचा था क्योंकि मैंने साड़ी की शॉपिंग भी की थी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी वीक है, मैं इतने अपने आप को वीक फील कर रही हूँ कि मैं ना अपना काम कर पा रही हूँ ना मैं सो पा रही हूँ, और मतलब बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन 7 बज रहे हैं, मैं पूजा ज़रूर कर रही हूँ सुबह उठ के और शाम में भी ट्राई कर रही हूँ, और कल हमें कलकत्ता जाना है तो मैं चाह रही हूँ मैं कल तक ठीक हो जाऊँ। मैं मेडिसिंस नहीं लेती, बहुत रेयर लेती हूँ, और फास्ट के टाइम तो वैसे भी नहीं ले सकते। मुझे कहाँ जा रहे हो, आपको बाहर जाना है, हेलो गो जाओ। बाय द वे गाइस, हम ये सोफ़ा चेंज कराने वाले हैं इसका कलर, बिकॉज ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दोनों घर में पूजा करने को मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। यहाँ पर पूजा ख़त्म करके मैं उधर ही जाती हूँ, वहाँ पर पूजा करती हूँ, और बस जल्दी जल्दी सब अच्छा होगा, और अच्छा होगा, अच्छा तो हो रहा है और अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग मित्रों, आज सेकंड डे है व्लॉग में, तो फर्स्ट डे ही चल रहा है। अरे भाई मेरा सेकंड डे है व्लॉग का यार, नहीं तो बोले नवरात्रि का थर्ड, नवरात्रि का तो मैंने बोला ही नहीं। अरे इनको पकड़ो भाई, दोनों को। रुक जाओ बेटा, तुम लोग रुक जाओ, चल कंटिन्यू चलिए हमारे साथ नए वाले घर। क्या हुआ, बहुत जगहों पर बारिश हो रही है, मौसम इतना सुंदर है। तो कल हम लोगों की फ्लाइट है कोलकाता की, इसीलिए आज मुझे दो दो काम करने हैं, नीतू वाला सरप्राइज भी देना है। चलो चलो चलो, क्या इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, क्या गए चक्कर, क्या आते चक्कर, भाई बहुत ही मीन हो। लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हमारा नया वाला मंदिर, तो नया वाला घर बस लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, तो काफी लोगों को बता चुका हूँ, काफी लोग फिर भी बार बार पूछे जा रहे थे, फिर से बताता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि हमने माता रानी इस वाले घर में क्यों लगवाई है। वहाँ पर हनुमान जी लगवाए हुए थे, तो हम लोग जब वैष्णो देवी गए थे ना, हमने वहाँ माता रानी से बोला था, माता रानी एक अपना घर करा दो यार। वहाँ से हम आए, दिसंबर की बात थी और जनवरी में घर ही ले लिया था, तो इतनी इतनी तेज माँ की कृपा हुई हमारे ऊपर। ये घर हम मानते हैं कि हमारा माँ की कृपा से आया है पूरा, इसीलिए मंदिर माँ का बनवाया हुआ है, और दोबारा जाना भी अभी हमें वहाँ भी जाना है। तो हम पहले कोलकाता से आ जाते हैं, फिर हमारा प्लान बनेगा वैष्णो देवी जाने का, दोबारा से जाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आना साथ में चढ़ाई करेंगे, साथ में दर्शन करेंगे, माँ के जयकारे लगाते हुए जाएंगे ऊपर तक, बिल्कुल पूरा माहौल बनेगा। All the best to go. So, आज वो गाड़ी की डिलीवरी फाइनली होने वाली है, जो आपने शायद 2 दिन पहले व्लॉग में देखा था, मैं नीतू के लिए गाड़ी लेने गया था पर शोरूम बंद हो गया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो आप लोग एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना, अभी चीटिंग करे बिना, कि कौन सी गाड़ी है, आपको क्या लग रहा है, और मैं देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। तो मैं जाके नहा लेता हूँ, क्योंकि वो लोग गाड़ी की डिलीवरी आज घर पर ही आके करेंगे, नए तरीके की डिलीवरी होने लगी है, मतलब ये ऑप्ट कर सकते हो आप घर पर भी डिलीवरी या शोरूम जाकर, इस पर हमने घर वाली डिलीवरी ली है, तो देखते हैं किस तरीके से एक्सपीरियंस होगा हमारा। आपको नहाना नहीं है सर, सर आप कब नहाएंगे? मैं नीचे खाना दे आऊंगा, नीचे खाना देकर आओगे तब नहाओगे क्या? 2 साल नहीं पड़े, 2 साल बाद नहाएगा ये। हाय ब्राउनू, मम्मा आ गई, मम्मा ने प्रॉमिस किया था ना जल्दी आ जाएंगी। चलो जय माता दी एवरीवन, जय माता दी, जय माता। भाई यहाँ पर गलत हो रहा है, हमारा पुनीत बेचारा रात भर काम कर रहा है और सैंडी वहाँ पर मजे कर रहा है। पुनीत गलत है ना, तेरे साथ ही गलत हो रहा है ना, सैंडी मजे करने गया और तू यहाँ पर सो रहा है। गाइस आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि सैंडी अपनी कल गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, शादी करने की बात करने गया था। नाउ लेट सी, पर्दा खोले दरा, नाउ लेट सी कि उन दोनों के बीच में क्या होता है। मैं सच में मैं चाहती हूँ कि सैंडी की बहुत जल्दी शादी हो, सैंडो की, और हम सब डांस करें, हम सब इन्जॉय करें। अब देखते हैं कब तक शादी होती है, आप भी प्रे करो कि जल्दी शादी हो। और यहाँ पर मेरे फ्रूट्स आ चुके हैं, सुबह सुबह मैं फ्रूट्स खाती हूँ और नारियल का पानी पीती हूँ। सुबह का मेरा यही रूटीन है, फ्रूट्स खाना, नारियल पानी पीना, नॉट एवरी डे एक्चुअली,
क्योंकि मेरा मानना ये है, जैसे मैंने बताया कि फास्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो और अच्छे अच्छे चीज़ें सोचते रहो, सो नींद नहीं लो दिन में बिल्कुल भी, और बस यार फ्रूट्स खाती हूँ उसके बाद देखती हूँ। तो गाइज़ आप लोगों को पता है कि आज मैं वो गाड़ी आने वाली है कुछ टाइम में जो डिलीवरी होने वाली है, और नीतू के लिए सरप्राइज़ है। आकाश भी मेरे लिए 9 मिलियन पूरा होने पर केक लाए, हमारी टीम भी लेकर आई मेरे को पता लग गया है, और आकाश भी ने उस पर लिखवाया हैप्पी यूनिवर्सिटी। अबे उसे लिख दिया, उसने लिख दिया हैप्पी यूनिवर्सिटी, मतलब इनको लिखवाना था हैप्पी एनिवर्सरी लिखवाना तो ये भी नहीं था, हैप्पी 9 मिलियन लिखवाना था, पर कुछ और मिला नहीं है ना यार। वो ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उसको पता चला ना केक कहाँ जा रहा है। ओह माय गॉड, पैसे लिए ज्यादा लिए होंगे फिर। हाँ ज्यादा लिए 50। ओके आकाश आ जाओ, गाड़ी आ रही नहीं, चलो उसकी डिलीवरी के लिए तैयारी करनी है अपने को। अरे दीदी को भी बोला है तैयार होने को, लेट लगाती है दीदी। ये देखो अंदर बात कर रही है दीदी, तेरे को ये नहीं बोलता कुछ अच्छे से कपड़े पहने, गाड़ी की डिलीवरी है। अरे क्या पहना है तूने ये? यार मेरे को कुछ मिली नहीं है। तो अब तू चल यार, लेट मत कर, गाड़ी आने वाली भाई, मैं नहीं चाहता हूँ मोमेंट मिस हो जाए। चलो गाइस चलो यार, तुम लोग जाओ। चलो यार इसको पकड़ लो भाई। अरे चलो ना। नहीं नहीं उधर रहे, उधर रहे, एक मिनट उधर ही रहे, अभी उधर ही रहे। नीतू उधर ही रही हो अभी? मैंने गाड़ी देख ली से कहा। अरे रुक जा, हाँ उधर ही रहे अभी। गाइस मैंने नीतू को इतने टाइम अंदर इसलिए रोका क्योंकि हमारे टीम मेंबर नहीं आए थे, वो आ गए, अब मैं रिवील करूंगा क्योंकि सब चीज सबके सामने होगी ना। अरे नहीं गिरा रहा भाई, चल 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 चल, आज तेरे को सरप्राइज मिलेगा। अरे चल नहीं, तू मेरे पे भरोसा रख, मैं सीढ़ियां भी है नीचे। अरे नहीं अभी आई तो बहुत आ गए, उन्होंने बोला कि अब हम डिलीवरी घर ही करा देंगे। आप मेरे को तो तुम पे ट्रस्ट नहीं है। अरे तू आ यार, कैसी बात कर रही है, आ जा क्या करूँ सीढ़ियाँ। अरे अभी नहीं है ना नीतू, आ जा जा अभी नहीं है। हाँ नहीं है यार, पानी यहाँ पे है, यहाँ पे है थोड़ी सी। चल एक और एक और एक और। अरे नहीं है, वो मजाक कर रहा है। चलो हाँ गाड़ी, ये गाड़ी है वैसे तो रिवील कर दूं क्या? मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये आंख बंद करके नहीं भी आई होती तो ऐसे गाड़ी दिखती? हाँ मैं आंखें ऐसे तो बंद रहती ना। एक मिनट, 3 2 1 यस। हाँ इसको मैंने बोला था मंथ एंड में, लेकिन अभी आ गई। कर दे अनबॉक्स। क्या बोला तूने? कर दे अनबॉक्स जल्दी गाइस, सपने पूरे होते हैं, बस आप सपने ज्यादा देखने के लिए ज्यादा देर सो। कर दे अनबॉक्स। यकीन नहीं हो रहा, मैं घूमा करूंगी अकेले। अकेले की घूमेगी दीदी? ऑफिस जाएगी दीदी, नहीं घूमेगी। आओ आओ चलो चलो, कर दे अनबॉक्स। कर दे ना, आ जाओ भाई, आओ आप भी। चलो चलो चलो, 3 2 अरे क्यों मुझे फीलिंग है। 3 2 1 गो। ताली तो बजा नीतू, प्रैंक हो गया आपके साथ। ये क्या है? इन्होंने चाबी रखी गाड़ी की और गाड़ी यही कही है। अरे नहीं यार, हाँ रुक जा, गाड़ी इसके अंदर है भाई, निकाल। एक मिनट नीतू जा, नीतू जाएगी, नीतू निकाल इसके अंदर से गाड़ी। इतना भारी क्यों है? अरे बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉक्स है। अभी तूने तो बोला बहुत बड़ी साइड तूने। ओ भाई गिरा मत दियो गाड़ी है इसमें। कौन सी गाड़ी है यार, तुम क्या हो गया तुम्हें? तू क्या सोच रही, मोटर टोल वाली गाड़ी है? हाँ। नहीं हम इतने बुरे नहीं है, गाड़ी ही लाए थे। चलो भाई इसके लिए तुम्हें ऊपर चलना पड़ेगा। चार दंडा वंडर का। यार मेरी गाड़ी दिखाओ, कहाँ है भाई? दिखाऊंगा ना, चल तो सही यार, इतनी जल्दी हार मान लेते हो जाएगा। चलो गाइस आ जाओ, आपको भी दिखानी ना गाड़ी, जल्दी आओ। कोई प्रैंक को आने में छोड़ूंगी नहीं, कोई प्रैंक नहीं आज। अरे यार चलो 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 चलो, आ भैया गाड़ी लेके, गाड़ी लेके मेरी गाड़ी। इनको लगता है कि प्रैंक कर रहा हूं, अभी देखो यार इतना बड़ा सरप्राइज इसने कभी नहीं देखा। चलो रानी आपको, आप सबसे पहले तो आप ही बैठोगे बेबी। G20 में? अरे खोलो तो सही यार। पुनीत एक सेकंड रुको रुको रुको, ये तो यही काट दिया तूने तो। क्या काट दिया मैंने यार, टेप ही तो काटा है। मेरे को लग रहा है इसमें गाड़ी की चाबी है। चाबी नहीं है, इसमें है गाड़ी की रेस ब्रेक। ये भी जरूरी है, हम पार्ट में मंगाया करेंगे गाड़ी, हम गाड़ी बना रहे हैं पूरी, ठीक है? स्टीयरिंग ये तो भाभी का सरप्राइज है, ये तो मेरे लिए होगा। मैं यार तुम लोगों ने अब इसकी बॉडी में गाड़ी है असेंबल कर लिया, तुम सोच रहे हो सब कुछ असेंबल कर लिया। हां ये मैं कर दूं, वो चेयर भी किसी के लिए करी हमने। अब हम गाड़ी की बॉडी मंगाएंगे, फिर एक इंजन ऑर्डर करते हैं, हम खुद की गाड़ी बनाएंगे अब। टार्जन ये ले। अरे यार गेमिंग सेटअप है इसका, अभी इस पे गेम खेला करेंगे। आप देखते हो ना ये ऐसे ऐसे, पूरी देखा कैसे ऐसे ऐसे गेम खेला। ये मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि मेरे को खेलना था, मैंने भैया को समझे ना।
मैं कीर्ति के साथ हूँ, कीर्ति जिसका वोट देगी। दीदी पता है गाड़ी नहीं है मेरी, है धोखा करता है आपका भाई मेरे साथ। किसने शादी करके लेकर आया था यहाँ पर? मेरी गाड़ी नहीं है। गाड़ी तो है भारी, और क्या होती है। देखो रियल टाइम फील आएगा बिल्कुल, बाहर तो चलाने में। अब देख ये गाड़ी कैसी है, इस गाड़ी को ना तुम्हें पार्किंग में लगाना, ना तुम्हें धूप में कहीं जाना, ना पेट्रोल डलाना। हाँ तुम चलाओ यार दिन भर, गाड़ी के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये। तो गाइस थैंक यू सो मच। वैसे मैं इसी को लेने नेहरू प्लेस गया था, उस दिन ले लिया था, बट मैंने फिर सोचा कि क्यों ऐसे ले जाके दूं। मम्मी कसम ना वो हमारी नई गाड़ी नहीं आई। मम्मी कसम नहीं आई। और भाई और सुन, गाड़ी में किसने ले आके रखा पता है? किसने? अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ प्लान पुनीत वाला। भाई नीतू पे होने जा रहा है प्रैंक, जो हम जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। ये देखो, हाँ भाई हो गया शुरू। चलो भाई चलो। है क्या इसमें? इसमें है स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार, लो भाई ये है स्पोर्ट्स कार जो लगन भाई बुक करके आए थे। बहुत कितने टाइम की वेटिंग थी इसकी? एक साल की वेटिंग थी इसकी भाई। तो अब आइए चलो भैया, इसकी डिग्गी खोलो। इसमें नहीं आएगा, ऊपर बड़ी गाड़ी है। अबे भाई सीट फोल्ड हो जाएगी। अभी देखो तुम क्या, तुम कच्चा बताओ, कच्चा बताओ क्या करूंगा। हां भाई रख दो चलो चलो, गाड़ी पूरी फिट कर दो, इतना भी भारी ना है भाई यार। ऐसे बाहर रख दे, कबरू बाहर रख दे भाई गाड़ी के पीछे। चलो लो भैया तो रेडी, इधर आओ भैया। देखो पहन तो दे, पहना दे भैया, पहनो भैया। देखो ये पहन के तुम, ये थोड़ा ऐसे रहना अभी। और सुनो रुको, इस हाथ को ऐसा उठाओ, ऐसा करके यूं रखो, यूं अंडे तोड़, अंडे तोड़वाएगा, अंडे तोड़वाएगा, अंडे तोड़वा दे एक बार ऐसे, ये ऐसे ही रखना ठीक है। और ये वाला फोटो इधर पकड़ना तुम्हें, और यहाँ पर खड़ा होना अभी जब हाँ मैं तो बाल भी ना, लेकिन ये तो छोड़ दो कोई नहीं, ये तो चलो यहाँ रख जाए, ये भी रख जाए, ये पहनना है लेकिन तुम्हें आज पूरे दिन। चलो भाई अच्छे से लगाओ, अच्छे से यहाँ तो खुल गया हो या मैंने लगा दिया हो तो भाई खोलोगे जब तो खुलेगा। रुक तो ना यार, ये कैसे, हाँ वो वाला आगे जा, कहीं से भी दिख नहीं ना चाहिए कौन सी है, ठीक है ऊपर ही लिखा यार। अबे यार ये तो कोई नहीं, एक और आगे ना था तुम्हारे काम, तुम्हारे काम लोकल काम। रुक जाओ यार, इसका भी मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, अभी रुक जाओ। क्या इसको मिटा दोगे क्या? तो मेरा फोन दो, ऊपर से टेप मंगाता हूँ ना ब्लैक वाली। वाह दिमाग तो है तुम। अबे भाई देखो भाई, हमारे पुनीत भाई का काम, सैंडी भैया सामने खड़े हैं, फोन मिलाया जा रहा फोन। अरे वो मैं सुधीर को कर रहा था, इसका भाई कभी फोन देखो। हेलो कैसी लगी हमें नई गाड़ी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, मैं तो चलाता हूँ। आती है आपको? क्या बनाए रे? तो अब सैंडी भैया ने प्लान किया है कि हम दूसरी गाड़ी पे कवर चढ़ाएंगे। कौन सी गाड़ी में भैया? पहलो होंडा सिटी पे चढ़ाते हैं भाई। ना 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 सेंटी में देख लो भैया, पहन लो पहन लो कोई बात भैया, मैं साड़ी पहन लेता हूँ यार, मैं पता है क्या समीज पहन के मैं घूम रहा हूँ। हाँ और आप खाली इसमें डर रहे हो? ये पहनना पड़ेगा। चेंज कर दिए थार वाली, अब इस पे आ गए होंडा सिटी पे, यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये चेंज हो रहा है क्यों पुनीत? ये भाई हमारे आ गया नया गिफ्ट, उल्टा ही तो चढ़ाना है। नहीं ऐसे मत किया करो, पहले भी तुमने वो बुलेट का सपना दिखा के चूर चूर करा, अब तुमने गाड़ी का कर दिया। नहीं चूर कहाँ किया, तुमको एक्सेलरेटर मिल गया, स्टीयरिंग मिल गया। बुलेट चलाना पसंद है ना, और क्या है इसमें, एक चीज और है। मैं नहीं यार, मैं जानू यार, मजा नहीं। एक बार बैठो, अपना काम कर, इसको ना चेयर में लो, घुमा के एक बार फील कर दे, बस अगर आपको वही वाला बहुत मजा आता है। ना 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 वो वाला मजा नहीं। हमारे बीच केक आ चुका है जो कि हमारी टीम लेकर आई है। ये आकाश भी तुम्हारा वाला है? नहीं हमारा, ये टीम वाला है। ओके कांग्रेचुलेशंस, कोई खाने वाला नहीं, केक छोटा बड़ा नहीं होता है। ओके वैसे भी इस टाइम वो चल रहे हैं नवरात्रि, इसीलिए खाएगा एक और। गाइस थैंक यू सो मच 9 मिलियन का सफर तय करने के लिए, और थैंक यू हमने करा था आज सबने तहे दिल से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम इसको कट करते हैं, कम गाइस कम कर ऐसे हाथ लगा दो भाई, हाथ पहुंच जाए बस। हां ब्राउनी आप भी आ जाओ दीदी, हैप्पी 9 मिलियन, हैप्पी बर्थडे 9 मिलियन ऐसे बोलते हैं। अब इसको कट करते हैं, आज से पैदा हुआ है ना, लेकिन अब तुम ये कट करो। हां हाथ लगाओ नीचे करना। हैप्पी 9 मिलियन। सॉरी यार 9 मिलियन।
सबके पास तो मिल नहीं सकता। तो ये सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए और भगवान जी के लिए जिन्होंने हम पे भरोसा रखा, हम पे विश्वास रखा और हमें यहाँ तक लेकर रख दे मंदिर में ना, ये तो मंदिर में नहीं रख सकते ना। क्यों? तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। एग वाला है अगले से दो बिना बात इतने उस दावे से कह रहा है। देखो देखो अभी बात याद आ रहा है मंदिर में आज है तो इन्फॉर्मेशन। आज का दिन हमारे लिए थोड़ा सा इमोशनल है, हम रोना चाहते हैं लेकिन आपके प्यार की वजह से यार इमोशनल तो है। 9 मिलियन तो रोना तो नहीं चाहते, बिग नंबर, खुश होना लेकिन हम आपसे ये जरूर चाहते हैं, खुशी क्या थी, लेकिन हम आपसे ये जरूर चाहते हैं कि आप हमारे 10 मिलियन करो। नहीं तो बस पे 10 मिलियन में हम पार्टी नहीं कर पाए, 20 मिलियन हुए तब भी नहीं कर पाए, 25 मिलियन होंगे तो भी भगवान जाने होने वाले 25 मिलियन एक दो दिन में। लेकिन मैं चाहती हूँ, लखन ने बहुत मेहनत करी अपने ब्लॉग्स में, बहुत ज्यादा ब्लॉग का चैनल है तो जर्नी बताऊंगा लखन की वजह से। तो मैं चाहती हूँ जैसे 10 मिलियन हो एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी रखेंगे, सरप्राइज पार्टी लखन के लिए। ठीक है, पहले बता दिया मुझे सरप्राइज पार्टी, लखन तो नहीं देता सरप्राइज लेकिन मैं दे दूंगी। ठीक है ठीक है, मार दी टॉन्ट। ओके टॉन्ट वाले एक्सपर्ट हूं मैं, लो करें। अब क्या करें इसका, आप तो खा ही नहीं सकते इनको, तुम तो खा सकते हो। आकाश जी तुम्हारा थोड़ी है पास? हाँ मेरा नहीं है, आज नहीं है, आज नहीं मतलब। ओके गाइस अच्छा लगा प्रैंक आपको, मुझे पता है मैं ऑप्शन दे ही नहीं रहा ना बोलने का। प्लीज ब्लॉग लाइक कर देना, कल हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, मतलब कल के ब्लॉग में आपको कोलकाता जाने को देखने को मिलेगा, हम पहुंच तो गए हैं कोलकाता वैसे तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना।